आज हम क्लास फोर का लेक्चर डिलीवर करेंगे एक्सरसाइज सेवन। आज एक्सरसाइज सेवन का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपने फैक्टर निकालने हैं, फाइंड द मिसिंग फैक्टर। यहाँ पे जो आपको कोई स्टेटमेंट है इसके अंदर से ये एक फैक्टर मिसिंग है, आपने ये फाइंड करना है। इसको आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है टू मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 12, यानी कि टू का टेबल कहाँ तक पढ़ा जाए कि आंसर उसका 12 है। इसके लिए आपको पहले टेबल पढ़ना है टू का। टू सिक्स 12 होता है, अगर नहीं पढ़ता डिवाइड करके देख लें। 2 6 12 अगे 5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 50। 5 का टेबल किस तक पढ़ें कि 50 आंसर आए। आपको पता है टेबल पढ़े 5 10 50, डिवाइड करके भी देख लेंगे, नहीं लगता पता ऐसे 5 1 5 1 0, 5 10 50। नेक्स्ट है 3 का टेबल, आप पढ़ेंगे कहाँ तक के 15 आए। 3 का टेबल पढ़ें 3 5 15। 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 1 5 5 2 10। 4 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ 48 आए, इसे आप डिवाइड कर लें 4 के ऊपर, क्योंकि 4 है आपका दूसरा नंबर। 4 1 4, यहाँ से 8 नीचे आया, 4 2 8, क्या आया आंसर 12। तो इसका फैक्टर जो है मिसिंग वो कौन सा है 12। नेक्स्ट है 5, 5 का टेबल भी आपने पढ़ना है जो कहाँ तक पढ़ेंगे 60 का आंसर आए। 5 1 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से 0 आ गया, 5 2 10, इसका आ गया है 12। 6 का टेबल है आपको पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ 42 आता है, 6 7 42, ये टेबल्स आपको आते हैं, इसके डायरेक्ट बता देंगे। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे 72 आएगा, 8 9 72, ये डायरेक्ट टेबल आपको आता है। अब ये डैश मल्टीप्लाई 6 = 42, किसका टेबल 6 से पढ़ा जाए कि आंसर 42 आए, तो आप पीछे करके आए हो 6 7 42, तो यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो कौन सा है 7 7 6 42। जिस स्टूडेंट्स के आपने क्वेश्चन अपने रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस भी करनी है, साथ आपने नीट पे भी नोट करना है, और इसी प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।